वेलकम टू YouTube's इफेक्टिव फ्लाइंग चैनल। डियर स्टूडेंट्स, न्यूक्लिक एसिड की इस लेक्चर सीरीज में आज का जो टॉपिक है वो मेनली फोकस्ड होगा स्ट्रक्चर ऑफ ATP के। ठीक है, जैसा कि आपको मालूम है जो ATP है वो एनर्जी करेंसी मालिक्यूल है। ठीक है, जो क्या करेगा, आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेगा, इसी के थ्रू आप कोई भी वर्क परफॉर्म करते हो। ठीक है, अगर हम बात करें कि आखिर ATP को जनरेट करने वाला मॉलिक्यूल कौन सा है, ATP आपकी बॉडी में या सेल में जनरेट कहाँ पे होती है, तो मेनली आपको मालूम होगा कि सेल के इनसाइड यस न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिटवीन प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म, और इसी साइटोप्लाज्म में एक सेल ऑर्गेनेल है जिसका नाम है माइटोकांड्रिया। ठीक है, और इसी माइटोकांड्रिया के थ्रू ATP क्या होता है, जनरेट होता है। ठीक है, यस, तो अगर हम माइटोकांड्रिया का स्ट्रक्चर देखें तो आपको मालूम होगा कि जो माइटोकांड्रिया है वो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा। Yes, ये एक सिंगल मेम्ब्रेन हो गई, या डबल मेम्ब्रेनस ना कह के आप बोल सकते हो डबल एनवेलप का बना हुआ स्ट्रक्चर है। ठीक है, यस, तो ये फर्स्ट जो एनवेलप या फर्स्ट मेम्ब्रेन होती है, ये आउटर मेम्ब्रेन होती है माइटोकांड्रिया की। यस, और एक इस आउटर मेम्ब्रेन के इनसाइड एक मेम्ब्रेन और प्रेजेंट होती है जिसकी फोल्डिंग हो जाती है। Yes, तो माइटोकांड्रिया के स्ट्रक्चर में जो इनर मेम्ब्रेन है इसकी फोल्डिंग हो जाती है, और इसी फोल्डिंग से बनता है एक स्ट्रक्चर जिसका नाम है क्रिस्टी। ठीक है, क्रिस्टी इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच इज फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकांड्रिया। कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा जो कि इनर मेम्ब्रेन के फोल्डिंग से बना हुआ है, जिसका नाम मैं बोल रहा हूं क्रिस्टी। यस, ये फोल्डिंग इसलिए हुई कि माइटोकांड्रिया की इनर मेम्ब्रेन का सरफेस जो है वो इंक्रीज हो जाए। यस, सरफेस इसलिए इंक्रीज किया गया क्योंकि इसी इनर माइटोकांड्रियल मेम्ब्रेन पर जितने भी रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं वो सारे के सारे यहां पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आपको ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो कि हमारी बॉडी में रन करता है, इसके सारे के सारे एंजाइम इनर माइटोकांड्रियल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ऐसा ही एक एंजाइम है जो कि इस इनर माइटोकांड्रियल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये दिस इज इनर मेम्ब्रेन। यस, ठीक है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है वो क्रिस्टी है। यस, इसी क्रिस्टी पर प्रेजेंट होता है F1 F0 पार्टिकल जिसको बोला जाता है आपका ऑक्सीसोम। ये क्या है, पूरे मेम्ब्रेन पर होगा, इसी को बोला जाएगा F1 F0 पार्टिकल ऑब्लिक ORR, इसी को बोला जाता है ऑक्सीसोम। यस, और आपको मालूम है कि इस जो इनर में स्पेस है जहां पे एक फ्लूड भरा होता है माइटोकांड्रिया में, और इस फ्लूड को बोला जाता है मैट्रिक्स। क्या बोला जाता है, तो दिस इज अ मैट्रिक्स। यस, आपको मालूम है कि माइटोकांड्रिया है वो एक ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स होता है, मीन्स ये सेल्फ डिपेंडेंट होगा, मीन्स इसके इनसाइड आपको प्रोटीन को जनरेट करने के लिए कुछ राइबोसोम की ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो माइटोकांड्रिया में जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है वो मेनली 70S टाइप, मीन्स 70 सेडवर्ग यूनिट का क्या होता है, राइबोसोम होता है, 70S टाइप राइबोसोम प्रेजेंट होता है माइटोकांड्रिया के इनसाइड। यस, अब राइबोसोम अकेले कुछ नहीं कर सकता है, जब तक क्या होगा, डीएनए से डीएनए नहीं बनेगा, मींस रेप्लिकेशन नहीं होगा। यस, और उस डीएनए से क्या होगा, आरएनए जनरेट नहीं होगा, और उस आरएनए से क्या नहीं जनरेट होगी,
प्रोटीन, ठीक है, और इस प्रोटीन का मॉडिफिकेशन बाय द राइबोसोम होगा, ठीक है। मींस इस माइटोकांड्रिया के इनसाइड डीएनए भी प्रेजेंट होता है, तो और इस डीएनए को बोला जाता है माइटोकांड्रियल डीएनए, ठीक है, दिस इज अ डीएनए ऑफ माइटोकांड्रिया, ठीक है। आपको जैसा कि मैंने बताया था सेल के इनसाइड थ्री प्लेस पर डीएनए प्रेजेंट होता है, मेनली जो मेन डीएनए है वो न्यूक्लियस के इनसाइड होगा, दूसरा जो डीएनए होगा वो माइटोकांड्रिया के इनसाइड प्रेजेंट होगा जिसको माइटोकांड्रियल डीएनए बोला जाएगा, तीसरा जो डीएनए वो क्लोरोप्लास्ट के इनसाइड प्रेजेंट होता है जिसको क्लोरोप्लास्टिक डीएनए बोलते हैं, ठीक है। अब डीएनए है तो ये प्रोटीन जनरेट करेगा, प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होगा, उसकी सिंथेसिस हो जाएगी राइबोसोम के थ्रू, ठीक है, मीन सब कुछ खुद ही जनरेट कर ले रहा है, इसलिए इसको ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स बोल देते हैं, ठीक है। तो इसी के थ्रू मींस माइटोकांड्रिया के थ्रू ही एटीपी की सेंसिस होगी, यस। और सेंसिस करने वाला जो एंजाइम है, कैटालाइज करने वाला जो एंजाइम है वो मेनली है एटीपी सिंथेज, क्या है, एटीपी सिंथेज, यस, एटीपी सिंथेज कुछ नहीं है, ये यही अपन अपना पार्टिकल ऑक्सीसोम मिलकर क्या बना रहा है, एटीपी सिंथेज, ठीक है। दिस इज अ माइटोकांड्रियल मेम्ब्रेन प्रोटीन, यस। आपको मालूम है कि हर मेम्ब्रेन जो है, जितने भी सेल मेम्ब्रेन होती हैं या सेल के इनसाइड जितने भी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होते हैं वो मेनली थ्री मॉलिक्यूल से कंपोज्ड होते हैं, वन इज अ लिपिड एंड सेकंड इज अ प्रोटीन एंड थर्ड इज अ कार्बोहाइड्रेट, यस। तो मेनली इन्हीं तीन मॉलिक्यूल से ईच एंड एवरी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल आर कंपोज्ड ऑफ, ठीक है। मेनली लिपिड का जो अमाउंट होता है मेम्ब्रेन में मोर एंड मोर होता है इन कंपैरिजन ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, तो अगर देखा जाएगा तो लिपिड मोर है इन कंपैरिजन ऑफ प्रोटीन एंड प्रोटीन से लेस क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो मेनली जो माइटोकांड्रिया की इनवेलप है वो आपका लिपिड और प्रोटीन के बने होते हैं, कार्बोहाइड्रेट इसमें अब्सेंट होता है, यस। अब इसी माइटोकांड्रियल इनर मेम्ब्रेन पर क्या प्रेजेंट होता है, एटीपी सिंथेज प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये एटीपी सिंथेज एक हाइड्रोजन आयन पंप है, एच प्लस आयन पंप है, जो कि क्या करेगा, एच प्लस मीन प्रोटॉन, प्रोटॉन को क्या करेगा, पंप करेगा, ठीक है। पंप कहां करेगा, ये एटीपी मेम्ब्रेन पर आपका एटीपी सिंथेज है, ठीक है, यस। तो माइटोकांड्रियल मेम्ब्रेन से, दिस इज अ इनर या इंटर माइटोकांड्रियल स्पेस, तो यहां पे क्या करेगा, एच प्लस आयन को पंप करता है, इसके थ्रू क्या होगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट होगा, और उसी प्रोटॉन ग्रेडियंट या प्रोटॉन के डिफरेंस की वजह से क्या होती है, एटीपी की सिंथेसिस होती है, ठीक है, यस। तो एक टाइप का ये क्या है, हाइड्रोजन आयन पंप है, और एच प्लस पंप जो है वो एग्जाम्पल होता है एफ टाइप पंप का, किसका एग्जाम्पल होता है, एफ टाइप पंप का, ठीक है। आपको मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ाऊंगा तो उसमें कई टाइप की पंप बताऊंगा, एक आपका होता है पी टाइप पंप, वी टाइप पंप, एफ टाइप पंप और एबीसी ट्रांसपोर्टर, ठीक है। आपने सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन पंप पढ़ा होगा, ये आपका क्या है, पी टाइप का पंप है, पी टाइप मतलब फास्फोराइलेशन होगा, इसमें ऑटोफास्फोराइलेशन होता है, डीफास्फोराइलेशन होगा, ठीक है। उसी के थ्रू क्या होता है, उसी के थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या होगा, सोडियम आयन और पोटेशियम आयन की पंपिंग होती है, ठीक है। मीन्स जो आयन है वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आउटसाइड टू इनसाइड या इनसाइड टू आउटसाइड होंगे, ठीक है, ये बात हो गई। तो मेनली जो आज का लेक्चर है वो सिंथेसिस पे बेस्ड नहीं है, मैं आपको बोर्ड पे दिख रहा हूँ स्ट्रक्चर पे बेस्ड है, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा आइडिया आपको दे दिया कि आखिर एटीपी जनरेट कहाँ पे होगी, तो एटीपी आपका इसी माइटोकांड्रिया के थ्रू जनरेट होगी, मेनली इनर माइटोकांड्रियल मेम्ब्रेन पे एटीपी सिंथेज प्रेजेंट होगा, यही एटीपी सिंथेज ही रिस्पॉन्सिबल होगा एटीपी के जनरेशन के लिए, ठीक है। तो ये तो बात हो गई किसकी, थोड़ी सी सिंथेसिस की, यस। अब मेनली मैं बात करूंगा किसकी, एटीपी के स्ट्रक्चर की, ठीक है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं न्यूक्लिक एसिड की। न्यूक्लिक एसिड में मैंने आपको बताया है कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियोटाइड जो बना होता है वो मेनली न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट से बनता है, ठीक है।
तो मैंने नाम लिया था न्यूक्लियोसाइड का, न्यूक्लियोसाइड का, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड किससे कंपोज था आपका? नाइट्रोजिनस बेसिस, बेसिस प्लस पेंटोज सुगर। यस बच्चा, इन दो मॉलिक्यूल से मिलके आपका न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। तो मैंने बताया था कि न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के होते हैं, वन इज डीएनए एंड सेकंड इज आरएनए। यस, तो डीएनए में आपका जो पेंटोज सुगर प्रेजेंट होती है वो डीऑक्सीराइबोज सुगर होती है। आरएनए में जो प्रोटीन सुगर सुगर होती है पेंटोज सुगर, वो राइबोज सुगर होती है। ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। डीएनए में जो नाइट्रोजिनस बेसिस होंगे वो होंगे आपका एडिनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन। और आरएनए में जो नाइट्रोजिनस बेसिस होंगे वो एडिनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन। मींस टू टाइप्स का न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए के नाइट्रोजनस बेसिस है, आरएनए के नाइट्रोजनस बेसिस है। डीएनए की सुगर है, आरएनए की सुगर है, मींस दो टाइप का न्यूक्लियोसाइड भी होगा। एक होता है आपका डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड। दूसरा होता है बच्चा राइबोन्यूक्लियोसाइड। यस, आप सोच रहे होंगे मैं बार बार ये न्यूक्लियोसाइड क्यों बोल रहा हूं। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि बच्चा अगर आप एटीपी का फुल फॉर्म देखेंगे तो लिखा हुआ है एडिनोसिन, ए फॉर एडिनोसिन, टी फॉर ट्राई एंड पी फॉर फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। यहां मैं लिख देता हूं एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ये एटीपी का फुल फॉर्म है, ठीक है। ये जो वर्ड एडिनोसिन है बच्चा, ये एक टाइप का न्यूक्लियोसाइड है, ठीक है। क्या है? एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड है। और कौन सा न्यूक्लियोसाइड है बच्चा? राइबो न्यूक्लियोसाइड है, ठीक है। यस, मींस जो एडिनोसिन मॉलिक्यूल है वो किससे मिलकर बना हुआ है? एडिनोसिन आपका बनेगा किससे? एडिनिन नाइट्रोजिनस बेस से, एडिनिन नाइट्रोजनस बेस से, प्लस आपका पेंटोज सुगर कौन सी होगी? अगर राइबोन्यूक्लियोसाइड है तो आपका राइबोज सुगर होगी। कौन सी सुगर होगी? राइबोज सुगर। यस, मींस एडिनिन नाइट्रोजनस बेस, राइबोज सुगर, ठीक है। यस, क्या बन गया? एडिनोसिन बन गया। यस, अब इसी में ट्राई, ट्राई मींस थ्री, क्या? फॉस्फेट। आपको मैं फास्फेट बताया था, यस, थ्री पीओ फोर, ये फास्फोरिक ग्रुप है आपका, पीओ फोर थ्री माइनस फास्फेट है, ठीक है। तो मींस इसी एडिनोसिन के स्ट्रक्चर में, एडिनोसिन एक क्या है? राइबोन्यूक्लियोसाइड है, ठीक है। इसी राइबोन्यूक्लियोसाइड के स्ट्रक्चर में हमको थ्री फास्फेट को ऐड कर देना है, ठीक है। और क्या बन जाएगा? एडिनोसिन ट्राई फास्फेट, ठीक है। तो मैंने आपको जब न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर बताया था उसमें राइबोन्यूक्लियोसाइड में आपको एडिनोसिन का स्ट्रक्चर बताया था, क्लियर, ठीक है। वही स्ट्रक्चर आज मैं ड्रा करूंगा, यस, उसी में मैं तीन फास्फेट को ऐड करूंगा, यस, और वो तीन फास्फेट ऐड होने से जो स्ट्रक्चर बनेगा वही क्या होगा? एटीपी होगा, ठीक है। तो आइए हम बनाते हैं स्ट्रक्चर, आखिर देखते हैं कैसा होता है, ठीक है। यस, तो एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ठीक है। एडिनोसिन है तो एडिनोसिन किससे मिलकर बना है? यस, ये मालूम होना चाहिए। एडिनिन नाइट्रोजिनस बेस है प्लस राइबोज सुगर है, राइबोज सुगर है, ठीक है। हम एडिनिन नाइट्रोजिनस बेस में राइबोज सुगर ऐड कर देंगे, बन जाएगा एडिनोसिन, जो कि एक राइबोन्यूक्लियोसाइड है। तो ऐड करते हैं, आपको मालूम है राइबोज सुगर एक टाइप की पेंटोज सुगर है, मींस फाइव कार्बन की रिंग होगी। यस, ये फाइव कार्बन की
रिंग हो गई, आपका एच ओ एच होगा, फिफ्थ कार्बन रिंग के आउटसाइड होता है, जिससे क्या अटैच्ड होता है, सी एच टू ओ एच, सी एच टू ओ एच, दिस इज अ फर्स्ट कार्बन, फर्स्ट वन, दिस इज अ सेकंड, दिस इज अ थर्ड, दिस इज अ फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ कार्बन, ठीक है। अब आपको मालूम है कि राइबोस शुगर है तो कार्बन नंबर टू पे ओ एच प्रेजेंट होगा, ठीक है, यस। अगर यही डी ऑक्सीराइबोज होती तो कार्बन नंबर टू पे क्या होता, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की डिफिशियंसी होती, बट ये राइबोज शुगर है तो ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट है ओ एच के फॉर्म में, यस। अब इससे हमको क्या ऐड करना है, एडिनिन, ठीक है। आपको मैं बताया था एडिनिन क्या है, प्यूरीन नाइट्रोजिनस बेस है, क्या है, प्यूरीन नाइट्रोजिनस बेस है, ठीक है। मैं इसका स्ट्रक्चर जब बना रहा था तो आपको बताया था कि नाइट्रोजनस बेस है तो नाइट्रोजन की पोजीशन होगी, नाइट्रोजन की पोजीशन फर्स्ट पे कॉमा थर्ड पे कॉमा सेवंथ पे है, नाइन्थ पोजीशन पे होता है, ठीक है। सेकंड में बोला था बच्चा कि आपको डबल रिंग स्ट्रक्चर होगा, कैसा होगा डबल रिंग स्ट्रक्चर, डबल रिंग स्ट्रक्चर में बेटा रहेगा ये वन हेक्सागोनल रिंग से वन पेंटागोनल रिंग फ्यूज्ड होगी, यस। सेकंड आपको इसका नेम, आपका बायोकेमिकल नेम जो कि क्या है, सिक्स अमाइनो प्यूरीन, यस। अगर इतनी बातें याद है तो आप ये स्ट्रक्चर इजिली ड्रा कर लोगे, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताया था कि शुगर से जब नाइट्रोजनस बेस ऐड होगा तो बाय द बीटा एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू अटैच होगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू क्या होगा, आपस में जुड़ जाएगा शुगर प्लस आपका एडिनिन बेस, ठीक है, यस। और ये जो लिंकेज बनेगा वो शुगर के कार्बन नंबर वन से और बेस के नाइट्रोजनस बेस के नाइन्थ पोजीशन पर प्रेजेंट नाइट्रोजन से होगा, सी वन और यन नाइन के बिटवीन बीटा एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का फॉर्मेशन हो जाएगा, बन जाएगा क्या, एडिनोसिन। तो आइए बनाते हैं, ठीक है। यहां पे नाइट्रोजन एटम, कार्बन 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 कार्बन, यस कार्बन, फर्स्ट पोजीशन होगी नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन, यस बच्चा। अब आपको मालूम है डबल रिंग स्ट्रक्चर हो गया, वन हेक्सा के साथ वन पेंटा फ्यूज्ड हो गई, ये मामला फिनिश। आपका दिस इज अ फर्स्ट एटम, दिस इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ एटम, एनी प्रॉब्लम, आई थिंक नो प्रॉब्लम, यस। अब आपको मालूम है कि ये सिक्स अमाइनो प्यूरीन, अमाइनो ग्रुप क्या था, NH2, तो आप सिक्स्थ पोजीशन पे क्या ऐड कर दो बच्चा, NH2, ठीक है। आपका क्या हो गया, अमाइनो ग्रुप ऐड हो गया, यस, NH2, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, आई थिंक नो प्रॉब्लम, यस। तो अब आप इसकी बैलेंसिंग कंप्लीट कर लो, तो कर लेते हैं हम लोग, ये यहां पे आपका क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। इसकी बैलेंसी कंप्लीट, नाइट्रोजन की कंप्लीट, ठीक है। यहां पे डबल बॉन्ड लगा दो आप, यहां पे एक हाइड्रोजन एटम डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन, ठीक है, यहां पे एक हाइड्रोजन, ठीक बच्चा। अब आपका इतना मामला फिक्स हो गया, बीटा एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा, वाटर का एलिमिनेशन हो जाएगा, यहां से वाटर रिलीज हो गया, एच प्लस ओ एच हो जाएगा, क्या एच टू ओ, एच टू के फॉर्म में वाटर रिलीज हो गया, ठीक है। तो वाटर रिलीज होगा, जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा वो क्या होगा, बीटा एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो जाएगा। तो आपको दिखा ना सी वन और एन नाइन के बिटवीन क्या बन गया, बीटा एन ग्लाइको सीडिक लिंकेज हो गया। आपको बताया था
कि सुगर से अटैच हो रहा है तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा, बीटा कार्बन है, कार्बन नंबर वन बीटा कार्बन होता है, नाइट्रोजन से अटैच हो रहा है इसलिए बीटा एन, ग्लाइकोसिडिक दो डिफरेंट मॉलिक्यूल को लिंक करा इसलिए लिंकेज हो गया, ठीक है। तो बीटा एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है बच्चा ये एडिनोसिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो हमने तो एडिनोसिन बना लिया, यस। अब जब एडिनोसिन बन गया, अब हमको बनाना क्या है, एटीपी, मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यस। तो अगर हम इसी एडिनोसिन में थ्री फॉस्फेट मींस आपका एच थ्री पी ओ फोर को ऐड कर दें, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको इसका बताया था, पी सेंट्रल एटम, मिनिमम नंबर ऑफ एटम जो है सेंट्रल एटम होगा, ठीक है, सिंगल बॉन्ड से जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है उसको डोनेट कर दो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यस। अब बचा हुआ हाइड्रोजन यहां लगा दो, यस, यहां डबल बॉन्ड, ये स्ट्रक्चर किसका हो गया, आपका फास्फोरिक ग्रुप का, हाइड्रोजन हटा दोगे यहां से तो आ जाएगा सबके ऊपर क्या आएगा, एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इसी चार्ज के फॉर्म में ही यहां से अटैच होता है आपका फॉस्फेट, ठीक है। अगर आप चार्ज नहीं भी लगाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा स्ट्रक्चर आपको समझ में आए वैसा ही बना, ठीक है। तो अब हम इसी फॉस्फेट को कार्बन नंबर फाइव से ऐड करेंगे, ठीक है। कितने फॉस्फेट ऐड करेंगे, थ्री फॉस्फेट, और क्या बन जाएगा, एटीपी एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। तो आइए ऐड करके देखते हैं, इसी स्ट्रक्चर को मैं यहां बना रहा हूं, ठीक है, यस। तो दिस इज अ फॉस्फोरस ओ एच डबल बॉन्ड ओ ओ एच ओ एच, ठीक है। अगर आप यहां ध्यान से देखोगे तो एच और ओ एच है, क्या है, एच और ओ एच, यहां पर भी वाटर का एलिमिनेशन हो जाएगा, ठीक है। एच और ओ एच ये रिलीज हो जाएगा, एच और ओ एच रिलीज होगा तो बन जाएगा यहां पर एस्टर लिंकेज, क्या बन जाएगा, एस्टर लिंकेज या एस्टर बॉन्ड, ठीक है। और ये इस सुगर से ये फॉस्फेट क्या हो गया, ऐड हो गया, ठीक है। कहां पे ऐड हुआ, कार्बन नंबर फाइव पे, हमेशा जो फॉस्फेट ऐड होता है वो कार्बन नंबर फाइव पर ही ऐड होता है। तो हमने एक फॉस्फेट ऐड कर लिया। अगर इस स्ट्रक्चर का आपको नाम दिया जाए तो ये है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, क्या है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, यस, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट क्यों बन गया, क्योंकि हमने सिंगल फॉस्फेट को ऐड किया है, तो क्या हो गया, सिंगल मींस मोनो, ठीक है। तो एडिनोसिन के साथ वन फॉस्फेट ऐड हुआ तो हो गया क्या, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो एएमपी शॉर्ट में इसी को बोलते हैं, क्या है ये, एएमपी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब इसी को अगर हमको कन्वर्ट करना हो, देखो हमेशा जो होता है, अगर आप नंबर ऑफ फॉस्फेट इंक्रीज करते जाओगे तो जो एडिनोसिन है, एडिनोसिन है, यस, इसी में क्या ऐड करो, वन फॉस्फेट ऐड करो, बन जाएगा एडिनोसिन मोनो फॉस्फेट। इसी में एक और फॉस्फेट आप ऐड कर दो, ठीक बच्चा, बन जाएगा एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। इसी में आप एक और फॉस्फेट ऐड कर दो, बन जाएगा आपका एटीपी एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। हम इसी फॉस्फेट को ऐड करें, हमने एक फॉस्फेट ऐड किया, मोनोफॉस्फेट बन गया एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब इसी में हम दूसरा फॉस्फेट ऐड करेंगे, ठीक है। तो आइए दूसरा फॉस्फेट ऐड करते हैं, मामला सेम टू सेम होगा, ठीक है, यस। तो दिस इज अ फॉस्फोरस ओ एच डबल बॉन्ड ओ ओ एच एंड ओ एच, यस। यहां पर भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एच और ओ एच है, ठीक है। तो वाटर के फॉर्म में एलिमिनेट होगा, यहां पर भी बॉन्ड आपका वही सेम एस्टर बॉन्ड बन गया, कोई प्रॉब्लम, यस। तो इस ऑक्सीजन से डायरेक्ट आपका अटैचमेंट हो गया, ठीक है। तो अब ये स्ट्रक्चर ये है, ये आपका मोनो नहीं रह गया बच्चा, ये हो गया दो फॉस्फेट अटैच हो गया तो बन गया है आपका डाइफॉस्फेट, क्या बन गया, डाइफॉस्फेट। और यही स्ट्रक्चर होता है एडीपी का,
एडीपी का ये भी एनर्जी करेंसी मॉलिक्यूल है, ठीक है। यस, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि जब बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। इन्हीं फास्फेट बॉन्ड को तोड़ा जाएगा और इन्हीं को फास्फेट को तोड़ तोड़ के क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती रहती है। तो हमने एडीपी का स्ट्रक्चर बना लिया। अब हमारा एम क्या है, एटीपी का स्ट्रक्चर बनाना। मींस हमने दो फास्फेट तो ऐड कर लिया, दिस इज अल्फा फास्फेट, दिस इज अ बीटा फास्फेट, एंड अगर थर्ड वन में इसमें गामा फास्फेट और ऐड कर देता हूं तो बन जाएगा ये क्या, एटीपी। तो आइए ऐड कर लेते हैं एक तीसरा फास्फेट इसमें, ठीक है, और क्या बना लेते हैं हम लोग, एटीपी बना लेते हैं, ठीक है। तो पी ओ एच डबल बॉन्ड ओ ओ एच और ओ एच, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहां पर भी तो एच ओ एच है, वाटर के फॉर्म में क्या होगा, रिलीज हो जाएगा और बॉन्ड बन जाएगा, बना लेते हैं, ठीक है। यस बच्चा, मामला बन गया ना। तो दिस इज अ गामा फास्फेट। तो जो एटीपी का स्ट्रक्चर होता है उसमें थ्री फास्फेट प्रेजेंट होते हैं, फर्स्ट वन इज अल्फा फास्फेट, सेकंड इज अ बीटा फास्फेट एंड थर्ड इज अ गामा फास्फेट, ठीक है। तो अब ये एडीपी नहीं रह गया, ये हो गया क्या, एडिनोसिन ट्राई फास्फेट हो गया बच्चा, मतलब एटीपी। और यही स्ट्रक्चर हमको जनरेट करना था, यही हमको बनाना था, ठीक है। बाद में इन्हीं को तोड़ तोड़ के अलग किया जाएगा, इसी से एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो एक राइबोन्यूक्लियोसाइड था एडिनोसिन, हमने इसी में एक अल्फा फास्फेट जोड़ा तो एडिनोसिन मोनोफास्फेट हो गया, इसी में दूसरा फास्फेट जोड़ा जो कि बीटा फास्फेट है तो एडीपी बन गया, एडिनोसिन ड्राई फास्फेट, और एक तीसरा फास्फेट जो कि गामा फास्फेट है इसको ऐड किया तो जनरेट हो गया एटीपी, मतलब एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। और यही क्या है, हमारी बॉडी का एनर्जी करेंसी मॉलिक्यूल है। हम आपको जो पढ़ा रहे हैं, जिस एनर्जी के थ्रू पढ़ा रहे हैं, ये एनर्जी हमको कहां से मिल रही है, एटीपी की। जनरेट ही कहां हो रहा है, बाय द माइटोकांड्रिया, ठीक है। यस, कहां पे जनरेट हो रहा है, कैसे जनरेट हो रहा है, हमने थोड़ा बहुत आइडिया आपको दिया है। जब इसकी सिंथेसिस की बात होगी तो हम इसको एक्सप्लेन करके बताएंगे कैसे जो है, जो आपका एटीपी सिंथेज है, जो कि प्रोटॉन ग्रेडियंट पंप है, ठीक है, जो कि एक एफ टाइप का पंप का एग्जांपल है, उससे कैसे एटीपी जनरेट होती है, ये चर्चा आगे होगी कभी लेक्चर में। मैं इसके लिए स्पेशल वीडियो क्रिएट करूंगा तो वहां पे आपको बताऊंगा। अभी मैं केवल आज बात किया था स्ट्रक्चर की, ठीक है, और उस स्ट्रक्चर में मैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। यस, तो आप भी इसका आइडिया ले लेंगे, जब भी आपको एटीपी का स्ट्रक्चर पूछा जाए तो आप ये आसानी से बना दें। आपके दिमाग में केवल तीन बातें होनी चाहिए, नंबर वन क्या है, एडिनोसिन है वर्ड, एडिनोसिन क्या है, न्यूक्लियोसाइड, कौन सा न्यूक्लियोसाइड है, राइबोन्यूक्लियोसाइड, ठीक है। किन किन मॉलिक्यूल से कंपोज्ड होगा, एडिनिन नाइट्रोजनस बेस, और राइबो न्यूक्लियोसाइड है तो राइबोज शुगर होगी, ठीक है। तो एडिनिन नाइट्रोजनस बेस को राइबोज शुगर से बीटा एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू अटैच कर दो, ठीक है, वाटर को एलिमिनेट करवा के बन जाएगा क्या, एडिनोसिन। अब इसी एडिनोसिन में आप फास्फेट को ऐड करते चले जाओ और जो स्ट्रक्चर बन जाएगा वही क्या होगा, एटीपी का होगा, ठीक है, आसान है ना। और साथ में अगर दो फास्फेट ऐड करोगे, ओनली अल्फा एंड बीटा, तो एडीपी हो जाएगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अगर आप केवल एक सिंगल फास्फेट ऐड करोगे एडिनोसिन मॉलिक्यूल में तो वो बन जाएगा आपका एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, मींस एएमपी, ठीक है। तो हमेशा जो एएमपी है, फास्फेट ऐड करते जाओ, एक फास्फेट ऐड करोगे डाई में चेंज होगा, दो फास्फेट ऐड करोगे तो दो फास्फेट ऐड करोगे तो डाई में होगा, तीन फास्फेट ऐड कर दोगे तो आपका ट्राइफॉस्फेट बन जाएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी, ठीक है, ओके, थैंक यू।